हाय एवरीवन, सुबह के 3 बज चुके हैं और हम सो के उठ चुके हैं। आज का प्लान कुछ ऐसा है, नवेद भाई आते होंगे, उनकी कॉल आ गई है और इत्शाम भाई को रास्ते से उठाना है और आज हम आपको कराची की फिशरी यानी मछली मंडी की सैर कराएंगे। एशिया की सबसे बड़ी मंडी घूमने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज संडे का दिन है और रोडों पे हलीम पार्टियां चल रही हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको फिशरी लेके जाऊंगा और साथ ही साथ फिशरी का रास्ता भी गाइड करूंगा। फिशरी जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता एमए जिना रोड सदर वाला, ये रास्ता काफ़ी लंबा और रौनक वाला रास्ता है। दूसरा रास्ता शीशा वाला, ये रास्ता छोटा और गंदा है। इस रास्ते में आपको चोर डाकू तकेत आपके इंतज़ार में है कि कब बकरा आए और उसे काटे। वैसे गूगल की मदद से भी आप पहुंच सकते हैं, मैं आपको सदर वाले रास्ते से गाइड करूंगा। सदर वाले रोड से सीधा सीधा चलो और चलते रहो। रास्ते में अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई बिल्डिंग भी नज़र आएंगी, दिल करे तो वो भी देख लेना। सदर वाला रोड ख़त्म होगा, आपको EFU की इमारत नज़र आएगी। इसके सामने फ्लाई ओवर भी होगा, मगर फ्लाई ओवर पे ना चढ़ना और उल्टे हाथ पे टर्न ले लेना। जब तुम्हें फ़ज़ा में गंदी बदबूदार खुशबू आए तो समझ लेना आप पहुंच गए फिशरी। अगर बदबू बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो आना, वरना मर जाओगे बदबू से, सही बता रहा हूं आपको। पैंतीस मिनट की ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए फिशरी। मछली को ताज़ा रखने के लिए बर्फ़ के कारखाने भी मौजूद हैं फिशरी में। कराची फिशरी के बर्फ़ के कारखानों का बड़ा दिलकश नज़ारा था। फिशरी कराची की सबसे बड़ी मछली मंडी है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान और चाइना में मछली सप्लाई होती है। व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, हर बंदे की नज़र हम पर थी। सुबह के 5 बज रहे थे, मंडी में मछली की चाटी शुरू थी। हर नस्ल की और हर साइज़ की मछली को अलग अलग किया जा रहा था, इन सब के अलग अलग दाम हैं। हमने रोशनी होने का इंतज़ार किया और बच्चों ने मछलियों के साथ फुल एंजॉय किया। वैसे तो कई मछलियों की अकसाम पाई जाती है, मगर अच्छी और नियाब में कोतर, सुरमई और पापलेट शामिल है। अगर आपने एशिया की सबसे बड़ी फ़िश मार्केट नहीं देखी और आपको समुद्री नहर से कोई परेशानी नहीं है तो फौरन कराची फिशरी का रुख कर लें, ताकि हमारे मुल्क के खजानों को जान सकें। कराची फिशरी में बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी हर नस्ल की मछली मौजूद थी और इनके दाम भी काफ़ी कम थे। कराची फिशरी बहुत से लोगों को रोज़गार फराहम कर रहा है
जैसे लांचों की मरम्मत, सफाई और मछली की नीलामी में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मछली की सफाई और कटाई के लिए 1000 माहगीर मुकर्रर किए गए हैं। कराची फिशरी में एक कंटीन भी मौजूद है जहां पे आपको मज़ेदार नाश्ता मिल जाता है। समुंदर के किनारे लाखों लांचे मौजूद थी जिनके अंदर अभी भी मछली मौजूद थी।
इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। अता करने वाला, पैदा करने वाला, रिस्क देने वाला, मदद करने वाला, अता करने वाला, पैदा करने वाला, रिस्क देने वाला, मदद करने वाला। मेहरबानी के बान हकीकी बादशाह, बड़ा मुश्किल कुशा, माफ करने वाला, मेहरबानी के बान हकीकी बादशाह, बड़ा मुश्किल कुशा। जिल्लत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। ठग बा